इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं लार्ज बैंड टेकर्स डू दीज दिस इन स्पीकिंग ऑफ आयल्स की ज्यादा जो आयल्स स्पीकिंग में बैंड लेते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली 7+ जो स्टूडेंट्स लेते हैं क्या उनके टेक्निक्स हैं किन चीजों पर वो काम करते हैं और इस वीडियो को बिल्कुल ओरिजिनल और रॉ रखने का मेरा जो पर्पज है वो ये कि हर एक स्टूडेंट को क्योंकि आमतौर पर जो 5 बैंड 5.5 बैंड 6 बैंड या 6.5 बैंड के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता कि 7 और 7+ अचीवर्स बेसिकली क्या टेक्निक लगाते हैं कैसे उनके आंसर्स होते हैं क्या उनका जो टेक्निक है वो रहता है। तो मैंने इसमें एक एक करके वो पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि पिछली लगातार 3 बार स्पीकिंग देते हुए मुझे 7, 7.5 और 8 बैंड जो हैं वो मिले हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ बिल्कुल नेचुरल और प्रैक्टिकल स्टाइल में मैं वो सब चीज़ें शेयर करूं जो मैंने खुद आजमाई हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी जिनको ट्राई किया है और अचीव किया है। सबसे पहला सिटिंग पोस्चर बैठने का जो तरीका है आमतौर पर स्टूडेंट्स बड़ा डरे डरे से सहमे सहमे से सिमटे सिमटे से बैठते हैं बहुत पीछे की तरफ झुककर बैठेंगे तो सिटिंग पोस्चर जो है वो आपका बड़ा स्ट्रेट और एक्टिव हो और आपका फेस जो है वो स्माइलिंग हो घबराहट ना आपके चेहरे पर हो। दूसरी जो चीज़ है जो 7+ अचीवर्स अपनी स्पीकिंग के दौरान लेकर आते हैं वो है वो खुलकर आंसरिंग करते हैं ऐसा नहीं लगता जैसे वो बड़ा जो है वो बंद बंद सा कंप्रेस्ड सा आंसर्स दे रहे हैं वो बड़ा खुलकर आंसर देते हैं। खुलकर आंसर देने से मेरा मतलब है आपने अपनी बात को रखा उसको समझाया उसको समअप किया बड़े एक अच्छे तरीके से एक क्लियर और ओपन और एक 3-4 लाइनों का आंसर जो है आपने रखा जिससे लगता है कि आप एक नेचुरल कम्युनिकेटर है। तीसरी जो चीज़ हम अचीवर्स में देखते हैं वो है कोई भी पॉइंट समझाने के लिए वो पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स बहुत यूज़ करते हैं। लेज़र एक्टिविटीज़ पर बताना है रोल मॉडल्स पर बताना है क्राउडेड प्लेसेस पर बताना है शेयरिंग थिंग्स पर बताना है लेज़र एक्टिविटीज़ पर बताना है एक्सरसाइज पर बताना है किसी भी टॉपिक पर जब वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो अपनी खुद की लाइफ से वो जो है एग्जाम्पल्स ले आते हैं निकाल कर। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि हर बार जब वो आंसर देते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो एक ही वर्ड या एक ही लाइन को यूज नहीं करते जैसे ज़्यादातर बच्चे हर बार आंसर देते हो डेफिनेटली सर या फिर तो हर एक उनके अपने अपने पेट वर्ड्स हैं तो हर बार वो एक ही वर्ड यूज़ करते हैं या एक ही लाइन यूज़ करते हैं जैसे कि आई थिंक हर बार आई थिंक नो हर बार नए तरीके से आप आंसर्स को शुरू करिए हर बार नए वर्ड्स के साथ आप आंसर्स को शुरू करिए। नई नेक्स्ट जो 5वीं चीज़ है वो ये कि जो 7 अचीवर्स हैं 7+ अचीवर्स हैं वो खूब ज़्यादा कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं लिंकर्स को यूज़ करते हैं एक सेंटेंस बोलने के बाद सच एज फॉर एग्जाम्पल मोर ओवर एज अ रिजल्ट फाइनली इसी तरह के वो कनेक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इसकी ही वजह से उनकी फ्लुएंसी में जो है वो 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको अगर एक बेबी की आवाज़ भी आ रही है तो मैं बताना चाहूँगा ये मेरा सन स्टीव है और मेरे साथ वो मस्ती करते हुए इस वीडियो में तो बैकग्राउंड में आपको उसकी भी आवाज़ें सुनने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो 7 अचीवर्स करते हैं वो ये उनके पास जो कॉमन वर्ड्स हैं उसके खूब सारे सिनोनिम्स और पर्यायवाची होते हैं जैसे वो बार बार सपोज करिए इम्पॉर्टेंट वर्ड है तो बार बार वो इम्पॉर्टेंट को इम्पॉर्टेंट ही नहीं बोलते इंक्रीज को इंक्रीज नहीं बोलते पीपल को पीपल नहीं बोलते बेनिफिट को बेनिफिट नहीं बोलते इनके सिनोनिम्स यूज करते हैं जैसे इम्पॉर्टेंट की जगह इसेंशियल इम्पेरेटिव और कॉन्स्पिकुअस बेनिफिट को जैसे उन्होंने एडवांटेजेस बता दिया मेरिट्स बता दिया इसके प्रोज बता दिया प्लस पॉइंट्स बता दिया तो इससे उनकी जो वकैब है वो भी बहुत खुलकर एग्जामिनर के सामने आती है। अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ है उनका ध्यान इस बात पर होता है कि पहले वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें फिर ठीक से एग्जामिनर को समझाएं वो तुक्का तपाका लगाने पर विश्वास नहीं करते कि चलो जो भी थोड़ा बहुत समझ आए वही बता दिया नहीं पहले अच्छे से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर उसके बाद अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रखेंगे।
नेक्स्ट जो सेवन अचीवर्स की खासियत है दोस्तों, वो है एग्जाम में स्पीकिंग देने से पहले वो कम से कम 30 बार, 30 बार से ज्यादा बार अपने घर पर इंस्टीट्यूट में ये दोस्तों स्टीव बेटा स्टीव पापा काम कर रहे हैं बेटा। ये दोस्तों बीच में जो म्यूजिक आपने सुना ये स्टीव जी की आवाज में था। नेक्स्ट जो सेवन अचीवर्स करते हैं वो है एग्जाम में स्पीकिंग देने से पहले वो कम से कम 30 बार या इससे ज्यादा बार भी हर एक आंसर की, हर एक क्यू कार्ड की घर पर अपने इंस्टीट्यूशन में अपने फोन पर रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो एक बहुत बढ़िया आंसर जो है वो एग्जाम में दे पाए। अच्छा नेक्स्ट जो है वो ये जो 7+ के स्टूडेंट्स हैं वो डेली अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके अपने टीचर्स को, मेंटर्स को शेयर करते हैं और पूछते हैं कि इसमें मैं और इम्प्रूवमेंट कहाँ ला सकता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं आपको पता चलता है कहाँ पर आपकी आवाज जो है वो कैसी है, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, आपकी प्रोनंसिएशन का लेवल क्या है, फ्लुएंसी का लेवल क्या है। तो आवाज रिकॉर्ड करना भी एक जो है वो मैजिकल टेक्निक है दोस्तों अपनी आइल्स की स्पीकिंग के लेवल को अपग्रेड करने का। अच्छा नेक्स्ट जो चीज वो करते हैं वो स्पीकिंग को पूरी तरह स्पीकिंग करते हुए पूरी तरह से खुद को खोल के रख देते हैं। मतलब 7+ और 7+ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं जैसे ही कोई टॉपिक उनको मिला वो उस टॉपिक पे झट से अपने आप को जो है ओपन अप करके रख दें और जो है अपने आप को खुली किताब की तरह उस टॉपिक पर रख दें और ऐसा लगे जैसे आप जो है अपनी उस टॉपिक की कम्युनिकेशन को, कन्वर्जेशन को इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट जो 11वीं चीज मैंने आपके लिए लिखी है दोस्तों वो जो 7+ अचीवर्स हैं वो स्पीकिंग से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, इसको इंजॉय करते हैं। उनके चेहरे पर स्माइल है, उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, उनका आई कांटेक्ट बहुत जबरदस्त है, बॉडी मूवमेंट बहुत जबरदस्त है और जो है बड़े अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से अपनी बात को वो रखते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो ये आईएल्स की स्पीकिंग को वो क्वेश्चन आंसर्स इंटरोगेशन के एंगल से नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि ये एक नए पर्सन से उनकी बातचीत हो रही है और वो बहुत इसको जो है वो बड़ा एंटरटेन इसको करने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वो कभी भी अपना जो आंसर है एक ही वर्ड में या एक ही सेंटेंस में नहीं देते, थोड़ा बड़ा आंसर देते हैं, थोड़ा जो है वो उसको 3-4 लाइनों में आंसर को देते हैं ताकि ऐसा लगे जैसे आप बिल्कुल एक नेचुरल ओरिजिनल स्पीकर हैं। और लास्ट जो चीज मैंने आपके लिए लिखी है दोस्तों वो है वो लगातार यूट्यूब पर नए नए टॉपिक्स के आंसर्स देखते हैं, खुद के आइडियाज को, आंसर्स को अपडेट और अपग्रेड करते हैं, लगातार अपनी नॉलेज को इनहेंस करते हैं। इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आप सबका थैंक्स और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदुस्तान से बाहर अगर आप रहते हैं तो आप 91 हमारा हिंदुस्तान का कंट्री कोड लगाएं, 9996054 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जुड़ें और आईएलस रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प अचीव करें। इस वीडियो में दोस्तों पहली बार आपने मेरे साथ जो है वो स्टीव की आवाज को भी सुना, थैंक यू सो मच।